हेलो अदन, अदन आप कहाँ हैं? मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ। पता नहीं चला मुझे। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सांसों में तेरा है दम, तुझसे ये वादा है, तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम, तू मेरा हो या ना, करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना, करेंगे याद बड़ा तुझको। अदन नहीं आया अभी तक? रास्ते में आने वाले होंगे। ऑफिस से तो दिन में ही निकल आए थे जब तुम्हारी अम्मी आई थी, उसके बाद तो वो ऑफिस गए नहीं है। हो सकता है कि किसी और काम से चले गए। वैसे मैंने अदन को जाते हुए देखा था, बहुत गुस्से में गए थे। कोई बात हुई थी क्या? वो जब आएंगे तो तुम खुद पूछ लेना। पूछने से ज्यादा अगर बताने के लिए कुछ हो तो पूछने की नौबत नहीं आती है। क्या मतलब? तुमसे नहीं पूछूंगी, तुमसे पूछूंगी तो तुम साफ इनकार कर दोगी। अम्मी खैरियत से आई थी? बड़ी परेशान लग रही थी और घर पे बगैर बताए आ गई थी। राहिल और तुम्हारे भाई भी बहुत परेशान थे। शीरी, मेरी अम्मी और मेरी अम्मी के घर वालों के बारे में फिक्र करना छोड़ दो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। सुंबुल से मिली हो? कौन सुंबुल? वही जिससे हातिम की मंगनी हुई थी। तुम उसे भी जानती हो? एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, सुंबुल तुम्हारे लिए जगह खाली करने वाली है। सादे लफ्जों में कहूं तो हातिम की जिंदगी में तुम्हारे लिए दोबारा जगह बनने वाली है। ये ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि मैं अदन की जिंदगी से कहीं नहीं जाने वाली। जब मैंने अदन की मदद की थी तो मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अदन से मोहब्बत नहीं करती हो। मैंने सोचा था कि मैं दो मोहब्बत करने वालों की मदद कर रही हूँ। बाद में एहसास हुआ कि मैंने तो अनजाने में तुम लोगों पर जुल्म कर दिया, लेकिन अब मैं इस जुल्म का अजाला करूंगी दो मोहब्बत करने वालों को एक करके। ट्रस्ट मी सोनिया, अब मैं तुम्हें हातिम से दूर नहीं होने दूंगी। ये जुर्रत! निकलो अभी और इसी वक्त निकलो मेरे घर से। हमने तुम्हें सिर्फ अदन की वजह से बर्दाश्त किया था और तुमने अपनी औकात दिखाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शीरीन पर हाथ उठाने की? जब ज़बानें बेकाबू हो जाए तो हाथ उठ जाते हैं। मैं कह रही हूं कि निकलो अभी और इसी वक्त, निकल जाओ मेरे घर से। मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। मैं अदन की मर्जी से इस घर में आई हूं और अदन की मर्जी से इस घर से जाऊंगी। आज तुम्हें अदन भी नहीं रोकेगा सोमिया। मैं तो चाहती थी कि तुम कोई ऐसी हरकत करो कि तुम्हारे लिए इस घर में जगह तंग पड़ जाए, और फाइनली तुमने ऐसा कर दिया। जब जाने की जल्दी हो तो इंसान ऐसी हरकतें करता है खाला। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ मेरे घर से। मुझे आप धक्के देके भी इस घर से निकालेंगी तो मैं अदन की मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। खाला फिक्र ना करें, इसकी ये ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। अदन इसे खुद घर से निकालेंगे। कहाँ थे तुम? पहले तो कभी इतनी देर से घर नहीं आते थे। बस वक्त का अंदाजा नहीं हुआ मुझे। तो अब अंदाजे लगाने सीख लो, बहुत से अंदाजे दुरुस्त करने हैं तुम्हें। तुम्हारी इस चहीती ने आज शीरीन पर हाथ उठाया है जो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। छोड़े ना खाला, सोमिया को गलत फहमी हो गई थी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। हाँ अदन, मैंने हाथ उठाया,
लेकिन सिर्फ तब जब इसकी जबान हर हद स्टॉप इट। आपने शीरी पे हाथ उठाया? मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आप नफरत में इस हद तक आगे बढ़ जाएंगी कि आप उस पे हाथ उठाने लगेंगी। आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू। अदन प्लीज, हमारे घरों का इस तरह का माहौल नहीं है। इस बात का इसे अंदाजा नहीं था। मैंने इसे माफ कर दिया, आप भी माफ कर दें इसे। नहीं शीरी, मैं तब तक इन्हें माफ नहीं करूंगा जब तक ये आपसे माफी नहीं मांगेगी। था ना कि जान छुड़ा लो उस लड़की से। हमने तो तुम्हारी वजह से इसे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन ये तुम्हारे रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं कर सकी। मोहब्बत का खुमार उतर गया हो ना तो कुछ दे दिलाकर फारिग करो इसे। आप परेशान ना हो अदन, कोई खास बात नहीं है। सोमिया को यूं ही गुस्सा आ गया था। गुस्सा आएगा तो वो आप पे हाथ उठाएगी। दिस नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा आप रिलैक्स करें, आप जाकर फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवा देती हूँ। भूख नहीं है मुझे। अदन मेरे हाथ उठाया, लेकिन सिर्फ तब जब इसकी ज़बान हर हद स्टॉप इट। आपने शीरी पे हाथ उठाया? मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आप नफरत में इस हद तक आगे बढ़ जाएंगी कि आप उस पे हाथ उठाने लगेंगी। अदन प्लीज, हमारे घरों का इस तरह का माहौल नहीं है। इस बात का इसे अंदाजा नहीं था। मैंने इसे माफ कर दिया, आप भी माफ कर दें इसे। नहीं शीरी, मैं तब तक इन्हें माफ नहीं करूंगा जब तक ये आपसे माफी नहीं मांगेगी। नहीं मांगूंगी माफी मैं शीरी से। मैंने कहा ना मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैं तंग आ गई उससे। बीबी जी, आपके लिए खाना लगा दूं? अदन कहाँ है? वो तो शीरी बीबी के कमरे में चले गए हैं। मैंने सोचा कि सोने से पहले आपसे खाने का पूछ लूं। मुझे खाना नहीं खाना, तुम जाओ। दिल जार जार रोए बस ना चले, तुमको है ऐसा खोए तुम ना मिले, ना तुमसे मिले ज्यादा ना तुमसे मिले कुछ कम, तुझसे ये वादा है तेरा दिल से करेंगे गम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम। अदन, ये मेरा और सोमिया का मामला है,
आप प्लीज न्यूट्रल रहें। मैं इतना भी सेल्फिश नहीं हूं कि अब भी न्यूट्रल रहूं मैं। वो रोती हुई रूम में गई है, आपका वेट कर रही होगी वो। शीरिन, कल सुबह मेरा सारा सामान इस कमरे में लेकर आओ और मैं उस कमरे में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो तुमसे माफी नहीं मांगती। इसकी जरूरत नहीं है। मुझे है, मुझे है इसकी जरूरत। मैं कब तक बेहिस बनकर तुम्हारी तरफ से नजरें बंद किए रखूंगा शीरी? नादान है वो, नहीं समझती कि घर टूट जाए तो बार बार नहीं बनता है। वैसे भी आप जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर नसीब वालियों को मिलता है। पता नहीं क्यों सोमी अपनी किस्मत से आ किए जा रही है। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सॉरी।